हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? सब स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं राजमा का कटलेट, मतलब टिक्की भी बोल सकते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, हम राजमा को भिगो के रखे थे रात भर। इसको हम कुकर में डाल देंगे। थोड़े से हम आलू भी लिए हैं, आलू की भी ज़रूरत पड़ सकती थी हमें। ऐसे भी सब्जी भी बनानी थी तो सोचे कि ये भी बना ले रेसिपी। तो इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक डाल के 2 से 3 सीटी लगाएंगे। दूसरी तरफ हम यहाँ प्याज काट लेते हैं। प्याज को बारीक काट लेना है, छोटे छोटे, जितना छोटा आप काट सकते हैं काटिए। हम तो इतना छोटा ही काट सकते हैं इसलिए हम काट रहे हैं। राजमा की सब्जी तो बहुत लोग खाए होंगे, एक बार ऐसे ट्राई करके देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है। साथ में हेल्दी भी रहता है, बच्चे भी खा लेंगे, टिफिन भी लेके जा सकते हैं। तो यहाँ देखिए, हमारा राजमा उबल गया है। तो इसको हम मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ दरदरा पीस लेना है इसको। देखिए, हम यहाँ दरदरा पीस लिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही पीसना है, पूरा बारीक नहीं पीसना है ताकि इसका टेस्ट आए। यहाँ हम आलू उबाले थे वो हम छील के रखे हैं। इसको भी हम कद्दूकस कर लेंगे। आप हाथ से भी मीच सकते हैं। अब हम इसमें एक मिर्च डाल देंगे, हरी मिर्च। प्याज काट के रखे थे थोड़ा, तो हम प्याज डाल देंगे इसमें। आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। यहाँ लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, हल्का सा नमक डाल रहे हैं। नमक हम राजमा पहले भी डाले थे तो आप हिसाब से डालिए। यहाँ इसमें ज़्यादा मसाला नहीं डालना है, और वैसे भी गर्मियों का मौसम चल रहा है तो कम तेल मसाला खाइए। उसके बाद थोड़ा सा हम पैकेट वाला मसाला डाल दिए, थोड़ा सा बस। इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। यहाँ हम मिलाने के बाद टिक्की के आकार का बना लेंगे इसको। जैसे टिक्की बनता है वैसे ही उसी साइज में बनाएंगे। हाथों में पानी लगा के इसको बना लेना है। देखिए जैसे कि हम बना रहे हैं, मोटा पतला बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें और भी सब्जियाँ डाल सकते हैं। ऐसे हमें सिंपल ही अच्छा लगता है, बस प्याज और मिर्चा। यहाँ हमारा टिक्की तैयार है। यहाँ हमारा तवा गर्म हो गया है तो इसमें हम घी लगा लेंगे। जो भी आप तेल यूज़ करते हो आप लगा सकते हैं। वो लगाने के बाद आराम से टिक्की को रख देंगे। टिक्की बोले, कटलेट बोले, जो मर्जी आप जो भी नाम दे सकते हैं, खाना ही है कोई भी नाम हो। इसको अलट पलट के दोनों तरफ से सेक लेंगे। उसके बाद हमारा तैयार है हेल्दी और टेस्टी नाश्ता। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, देखिए कितना क्रिस्पी हो गया है। बिल्कुल आराम से आप इसको पलटिए। देखिए यहाँ एक के ऊपर एक चढ़ गया था मेरा। फिर इसको आराम से फैलाएं। ज़्यादा तेल भी यूज़ नहीं होता है, 2 से 3 चम्मच में तैयार हो जाता है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए।
देखिए यहाँ हमारा बन गया है।